हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। और लगभग एक हफ्ता जैसा हुआ, एक हफ्ते के बाद मैं वापस पहले जैसा अच्छा फील कर रही हूँ। फुल ऑन एनर्जी है और अभी काम करने में दिल लगता है। बॉडी का दर्द और फीवर, ये सभी सारी चीज़ें जा चुकी हैं। मैं वापस ठीक हूँ अभी। और मुझे आप लोगों ने ढेर सारी रिकवरी विशेज भेजी। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे विशेज भेजी। सच में आप सभी का दिल से शुक्रिया। और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं है ना एक गेस्ट मेन्यू टाइप्स बना रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो बनी तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं बट स्वाद में एकदम ही उम्दा है। समर स्पेशल हैं, आप बना करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो बस उसी की प्रेप चल रही है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी मेरा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रीमियम थिक कास्ट आयरन फ्राइंग पैन जो 100% टॉक्सिन फ्री है, इंडक्शन बेस है, इट कम्स प्री सीजन एंड इट्स नेचुरली नॉन स्टिक। और आप इसमें स्टर फ्राई कर सकते हो सब्जियों को, फ्राइड राइस वगैरह बना सकते हो, ऑमलेट भी आराम से बन जाएगा। सौते एंड फ्राइंग के लिए परफेक्ट है एंड इट कम्स फ्रॉम द ब्रांड इंडस वैली। और साथ में है ये बहुत ही बढ़िया सा 100% प्योर आयरन का पायाया पैन। ये टॉक्सिन फ्री है, नेचुरली नॉन स्टिक है, इंडक्शन बेस है और ये भी प्री सीजन आता है। इनका इस्तेमाल करके बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं बनाने वाली हूँ। इसके हैंडल पे आप देखिए रबर कोटिंग है सो दैट ग्रिप एकदम ही आसान हो जाती है। इस्तेमाल से पहले मैं इनको एक बार वॉश कर लूँगी। और आजकल हम सभी हमारे किचन में नॉनस्टिक कुकवेयर का बहुत इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वो सुपर इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़ होते हैं। लेकिन आपको पता है दे कुड बी रियली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ अगर ध्यान से उसका इस्तेमाल ना किया जाए, बिकॉज नॉनस्टिक कुकवेयर ना कोटेड होते हैं एक केमिकल से विच इज़ कॉल्ड PTFE जो टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज करता है व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर्स। और रेगुलर यूज़ से कभी कभी जो कोटिंग है वो चिप हो जाती है तो वो डैमेज्ड कोटिंग है ना खाना बनाते वक्त उसमें लीच हो जाती है विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर एंड अदर हेल्थ इश्यूज़। सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड नॉन स्टिक कुकवेयर एंड चूज अ सेफर एंड हेल्थियर ऑल्टरनेटिव लाइक द इंडस वैली इज कास्ट आयरन कुकवेयर। और कास्ट आयरन कुकवेयर होते हैं ना वो सेंचुरीज से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दे आर वेरी सेफ एंड हेल्दी ऑप्शन। वो आपके खाने को फोर्टिफाई करते हैं आयरन से, दे आर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डजेंट हैव एनी केमिकल कोटिंग। मेनली जो मैं आपको बता रही थी खाने में ना आयरन कॉन्टेंट इंड्यूस करते हैं ये विच इज़ वेरी important for building immunity, growth and development. So if you want to cook your food in a better and safer way, switch to cast iron or iron cookware. It is healthier and safer choice for your family. और आपके लिए रहेगा मेरा एक डिस्काउंट कोड जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी। इसका इस्तेमाल करने से मिलेगा आपको आपके ऑर्डर पे अच्छा खासा डिस्काउंट। द इंडस वैली की वेबसाइट पे हमेशा ही कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है बट मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करने से आपको वो ऑफर के ओवर एंड अबव डिस्काउंट मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। ये दोनों ही पैन प्री सीजन आते हैं इसलिए वॉश करने के बाद इनको सीजन करने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करके मैंने इनको पका लिया है क्योंकि अभी मैं थोड़ी चॉपिंग करूँगी, मैं नहीं चाहती इनको जंग लग जाए। तो हमेशा कुक करने के बाद, मतलब वॉश करने के बाद आपका जो भी बर्तन है कुक किया आपने उसके तुरंत बाद वॉश करके तुरंत बाद उसे हीट कर लें, उसके ऊपर से सारा मॉइस्चर हटा दें तो आपको उसे सीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसे ही नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाता है। दोनों पैन वहाँ पर गर्म हो रहे हैं। मीनवाइल मैं आज बनाने वाली हूँ आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, तो मैं उसकी प्रेप कर रही हूँ। सुनने में बहुत ही बेसिक लग रहा है आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी, और गर्मियों में
आए दिन किसी ना किसी वक्त आपके घर में भी ये बन ही जाती होगी। बट ज़्यादातर लोगों को ना आलू शिमला मिर्च पसंद नहीं होती, बहुतों को बहुत पसंद होती है बट बहुत लोगों को नहीं पसंद है। मुझे बहुत पसंद है बट मेरे हस्बैंड उतना चाव से नहीं खाते हैं। तो आज मैंने ना ट्रिक आजमाई एक आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने के लिए, एंड ट्रस्ट मी ये मेरे हस्बैंड को ही नहीं बल्कि मम्मी पापा प्रियंका भी आई हुई थी, एंड इनफैक्ट शिवांशु, वो इतनी छोटी बच्ची है, उसने भी इतने प्यार से खाया। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करने वाले हो, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि हम लोग सूखी सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। आप आपके चॉइस के ऑयल में पहले आलू को, कच्चे आलू को इस तरह से फ्राई कर लें फुल फ्लेम पे, उस पर रेडनेस चाहिए हमें, कुक तो वो बाद में भी हो जाएगा। आलू फ्राई हो जाने के बाद मैंने तेल थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया था, इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद जो शिमला मिर्ची है उसको भी थोड़ी देर फुल फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लिया है। कुक नहीं करना है, खाली इसको फुल फ्लेम पे ना बहुत तेज़ ऑयल के अंदर एकदम इसे फ्लैश फ्राई कर लीजिए और सब्ज़ियाँ हो गई रेडी, मसाला बना लेते हैं। ऑयल के अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा ज़ीरा, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी यहीं पर, और इसके बाद सुबह में आलू के पराठे बनाए थे तो थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, तो वो जो स्टफिंग होती है आलू के पराठे की वो यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। एंड इट इज़ वेरी लाइकली कि आप आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बनाएं तो आपके पास ये स्टफिंग नहीं होगी, तब आप जो आलू आपने तैयार किए हुए हैं उसी को बारीक बारीक मैश करके एक कच्चा प्याज उसमें ही मिला करके, और मसाले चाहे मिलाएं ना मिलाएं वो तो आप बाद में एडजस्ट कर सकते हो, तो वो सारा चीज़ें ना एक साथ मिला करके जिस तरह आप देख रहे हैं ना बाकी मसाले के साथ इन्हें भून लीजिए, तो प्याज हल्का हल्का कच्चा सा रहेगा और जो मैश किया हुआ आलू है वो बहुत अच्छी बॉडी देगा। मैंने यहाँ थोड़ा आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला भी मिलाया था। अच्छी तरह सारी चीज़ें भून लीजिए, एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब जो फ्राई करके रखी हुई थी सब्जियाँ वो ऐड करें, थोड़ा सा नमक यहाँ ऐड करें, गिव इट अ रियली गुड मिक्स, मतलब सारा का सारा कैप्सिकम और आलू जो मसाला बनाकर रखा था उसमें बढ़िया तरह से कोट हो जाए, और ये सब्ज़ी बस डन ही है, दो चार मिनट में डन हो जाएगी। बट इसे ना कम से कम 10 मिनट, दो चार मिनट में मत उतारिएगा, लगभग 10 मिनट स्लो फ्लेम पे चला चला के भून भून के पकाइएगा, एंड फिर मुझे बताइएगा कैसी लगी। बहुत ही बढ़िया बनती है ये आलू शिमला मिर्ची की सब्जी। लेने एक सब्ज़ी बनाते हैं और ये भी इक्वली अमेजिंग है। मैंने मेरा दूसरा वाला इंडस वैली कढ़ाई ले लिया है, पाया ये पैन, और इसके अंदर मैंने कुछ एक खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, और ये जो फूल चक्री है ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी फ्लेवर देती है इस सब्ज़ी को। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड किया है ज़ीरा, और उसके बाद ऐसे ही रफली कटा हुआ प्याज है ये एक बड़ा सा, ये मैंने ऐड कर दिया है। आगे ये मसाला पीसना है इसलिए ये मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटे हैं प्याज। हैंडफुल मैंने यहाँ काजू ऐड कर दिए हैं, आप चाहे तो काजू की जगह जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं सोक किया हुआ वो ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जिंजर ऐड किया है, आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, मेरी सासू माम खाएंगी इसलिए मैंने गार्लिक नहीं ऐड किया। एंड देन ये एक छोटा लौकी, आधा लौकी है जो मैंने ऐड कर दिया, एंड उसके बाद टमाटर ऐड कर दिए हैं। लौकी और टमाटर बराबर आप ले सकते हो, एंड लौकी तो आप जितना चाहें उतना ले सकते हो, आपको कैसा अच्छा लगेगा उस हिसाब से। मैं थोड़ा सा इसको स्पेशल ही रखना चाहती थी तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा लौकी नहीं रखा है, आप इसे थोड़ा सिंपल तरफ ले जा सकते हो ज़्यादा लौकी रख के। मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था, ढक्कन लगा के इसे पका लिया है तब तक जब तक कि जो मेरा लौकी है वो टेंडर हो जाए, और यहाँ ये टेंडर हो चुका है तो बस मैं इसे एक लास्ट मिक्स दूंगी, गैस बंद करूंगी, और क्योंकि ये आयरन का पैन है ना तो इसके अंदर से ये सब्ज़ी एक प्लेट में मैं ट्रांसफ़र कर लूंगी, ठंडे होने के बाद इसको पीसना है। मीनवाइल ये जो पैन है मेरा इसको धो करके पका करके मैं रख दूंगी तो ये नेक्स्ट यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको छोड़ देंगे ना तो इसमें फिर स्टेन्स आ जाएंगे, दैट आई जस्ट डोंट वांट। और मैं है ना कुछ मीठा भी बनाने का प्लान कर रही थी तो इसके लिए मेरे पास इलायची का पाउडर नहीं था, तो मैंने सोचा फटाफट से इलायची का पाउडर बना लेती हूँ। तो मैंने ये मेरा कॉफ़ी ग्राइंडर है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है हरी वाली इलायची। इलायची का पाउडर जब आप बनाते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड करें तो इससे पाउडर बढ़िया बनता है, शुगर जो इलायची है उसको पीसने में हेल्प करती है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और उसके बाद आप छाने ना छाने वो आपकी चॉइस है, पर छान कर रख लीजिए तो पाउडर है ना
बढ़िया एकदम यूनिफॉर्म बनता है। फिर आप किसी भी चीज़ में उसे ऐड करेंगे तो वो दिखता नहीं है। अगर बिना छाने आप ऐड करेंगे ना तो वो फिर फाइबर फाइबर से जो इलायची के होते हैं वो दिखते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। हाँ, और मेरा जो कॉफ़ी ग्राइंडर है ये अगारो ब्रांड का है। आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रखे हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। तो मैंने ये जो पाउडर है इसको छान लिया है और जो ऊपर फाइबर जैसे बचते हैं ना इसको मैं चाय पत्ती में मिला देती हूँ, तो चाय का भी मज़ा बढ़ जाता है, कुछ वेस्ट भी नहीं होता और ये पाउडर बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल बनता है एंड कॉफ़ी ग्राइंडर में बहुत ही महीन भी पिस जाता है। यूजुअली जो इलायची रहती है वो इतनी बारीक नहीं पिस पाती, उसके सपोर्ट के लिए ही उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की जाती है, बट कॉफ़ी ग्राइंडर में एकदम ही बढ़िया पाउडर बन गया है। आप देखिए, बस इसे ढक्कन लगा के रख दें और जब भी आपको कुछ मीठा बनाना है उसमें आप इसे इस्तेमाल करें, बहुत ही हैंडी और बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। एक मसाले का बेस बना रही हूँ मैं। मैंने 3-4 चम्मच दही ले लिया है, एकदम नॉर्मल दही है, खट्टा वाला नहीं है। इसके अंदर स्वाद के हिसाब से पाउडर मसाले मिला रही हूँ मैं। हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर फॉर कलर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला मिलाया है, एक मैगी का मसाला है, मैजिक का सैशे मैंने मिलाया है और इस सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें थोड़ी और चीज़ें अभी मुझे मिलाना है। 1 छोटा चम्मच मैंने ये किचन किंग पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी मिला दिया है और ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सारा मसाला और दही एकदम ही होमोजीनस हो जाए तब तक इसे फेंटें। जब आपका दही एकदम स्मूथ हो जाता है ना तो फिर वो कर्डल नहीं होता कुकिंग के दौरान। और अभी मैं फटाफट से जो ये जो प्रेप हो रही है ना ये पनीर की सब्ज़ी के लिए हो रही है, तो पनीर को भी काट करके तैयार कर लूँगी। तो मैं है ना पनीर ट्रायंगल में आजकल ज़्यादा पसंद कर रही हूँ काटना, तो मैं ट्रायंगल काटूँगी। कुछ एक दोस्तों का सवाल आ रहा था कि कैसे ट्रायंगल करते हैं, तो बस एक छोटा सा क्लिप मैंने ये इंसर्ट कर दिया है इस तरह से पनीर को काट करके। और मैं ना मतलब जब ट्रायंगल आप बना रहे हो ना पनीर, तो उसको थोड़ा पतला रखें, मोटे मोटे चंक्स ट्रायंगल अच्छे नहीं लगते। और इस तरह से आप देखें, एक बार सीधे काटिए एक बार डायगोनल काटिए तो आपके ट्रायंगल्स निकल आएंगे। पहले मैं थोड़े से बड़े बड़े काट रही थी, फिर मुझे लगा ना देखने में अच्छे नहीं लगेंगे इतने बड़े बड़े ना, फिर पीसीज अलग और थोड़ी ग्रेवी अलग ऐसा लुक देते हैं, तो मैंने फिर छोटे छोटे काटे जिससे ग्रेवी के बीच में ही काफ़ी सारे पीसेस भी दिखें तो वो देखने में ज़्यादा बेटर लगेगा। एक बार सीधा चाकू रखिए और एक बार डायगोनल रखिए, आपके एकदम एक जैसे ट्रायंगल्स निकल आएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग टेम्पटिंग लगते हैं सब्जी में देखने में। ये जो मसाला है हमारा ठंडा हो गया है, तो इसके अंदर से जो लौंग थी उसको छोड़ करके बाकी जितने भी मोटे मसाले थे, जो फूल चक्री थी, बे लीफ था, ये सभी मैं निकाल लूँगी। लौंग और जीरा जाने देंगे, उसको पीस लेंगे। तो इसमें मैं पानी नहीं मिला रही हूँ, पानी मत मिलाइएगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, बट आप कोशिश कीजिएगा आपको पानी मिलाना ना पड़े। और इसको फाइन पीस लीजिए, इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो ये भी इंडस वैली का ही है, लिंक मैंने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रखे हैं। ये स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई है, 26 सेंटीमीटर है और बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल चढ़ाया और इसके बाद जो दही का मसाला बनाया था पहले वो ऐड कर दिया है। दही के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैट का कॉन्टेंट रहता है, तो जब भी वो पकती जाती है तो उसके अंदर का जो फैट है वो रिलीज़ होता जाता है, घी जो होता है, तो दही बढ़िया तरह से पकती जाएगी, घी छूटता जाएगा, बहुत ही सुंदर कोरमा जैसा निकल आएगा। और दही अच्छी तरह से फेटी थी तो हमारी दही पकते हुए फटी भी नहीं अच्छी तरह। दही वाला मसाला भुन जाने के बाद जो लौकी वाला मसाला पीस के रखा था वो बिना छाने मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। अगर आप पानी मिलाएंगे ना उसमें तो आपको यहाँ कुकिंग का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बोल रही थी कि कोशिश करें आपको पानी ना मिलाना पड़े। बट अगर नहीं पीस रहा है या आप बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इन दैट केस इसको तब तक भूनें जब तक ऊपर इस तरह ऑयल ऊज आउट हो जाए। और बढ़िया ये मसाला मेरा भून करके तैयार हो गया है, एकदम स्मूथ लग रहा है। और इसमें लौकी का बेनिफिट तो है लेकिन टेस्ट नहीं आएगा, कोई फिगर आउट ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसके अंदर लौकी डाला है। मैंने जब सबको बताया कि मैंने इसकी ग्रेवी में लौकी डाला है तब सबको लगा कि अच्छा लौकी है, बट टेस्ट फिर भी उनको नहीं पता चल रहा था कि इसके अंदर लौकी है।
तो जब भी प्याज बहुत महंगे होते हैं तब आप लौकी इस तरह से डाल सकते हो, या आपको वो एक रिच ग्रेवी वाला मज़ा चाहिए बट वो हैवीनेस नहीं चाहिए, तब आप कम प्याज करके लौकी डाल करके ग्रेवी बना सकते हैं। नमक और पानी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ये राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इन दैट केस आप थोड़ा पतला रख सकते हो ग्रेवी, और मेरी तरह रोटी के साथ खाने को बना रहे हो तब थोड़ा सा थिक रखिएगा। अच्छी तरह से जब उबल जाए आपका ग्रेवी, अच्छी तरह पक जाएगा, तब लास्ट में इसमें पनीर ऐड करें। पनीर आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं वाइट ही डाल देती हूँ बिना फ्राई किए, ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम मलाई पनीर वाली बात आ जाती है। अब ढक्कन लगा के इसे एक बॉयल आ जाने देंगे, यानी लगभग 2 मिनट और पकाऊंगी मैं, और उसके बाद ढक्कन बंद कर देंगे। ओवर कुक ना करें वरना पनीर का मॉइस्चर लूज़ होता है और पनीर थोड़ा च्यूई एंड हार्ड हो जाता है। और हाँ, ये सब्ज़ी एक बार डन हो जाएगी ना तो लास्ट में इसमें काफ़ी सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और चाहे तो थोड़ा नींबू का रस मिलाएगा एंड फिर मुझे बताएगा कैसी लगी। आपको डेफिनेटली डेफिनेटली पसंद आने वाली है, आई एम वेरी श्योर। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ एक कच्ची कैरी और प्याज का कचूमर। एक्चुअली ये मेरी ना डिक्शनरी में नया है, मैं पहले कभी नहीं बनाती थी, कभी खाया भी नहीं था, बट हम लोग यहाँ वडोदरा है ना तो ये यहाँ पर फरसान के साथ मिलता है बहुत सारी शॉप पे, एंड बड़ा मज़ेदार लगता है। पकौड़े वगैरह, समोसे वगैरह, इनफैक्ट आपके गर्मा गर्म स्टफ़ पराठे या मील के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। एंड गर्मियों के हिसाब से इसमें हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। एकदम समर वाली परफेक्ट ही रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कच्ची कैरी और प्याज का कचूमर, टेस्ट अमेजिंग, एकदम चटपटा सा। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा नमक मिलाया था, वो आप आपके स्वाद के हिसाब से भी मिला सकते हो, बट बनाकर देखिएगा, ये एकदम ही मज़ा दुगना कर देता है हर थाली का। इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ची भी डाली जाती है बट मैंने नहीं डाली, मैंने ऊपर से रख दिया है, किसी को खाने का मन करेगा तो वो खा लेंगे, नहीं मन करेगा तो ज़बरदस्ती फिर मुँह में नहीं आएगी। और लगभग सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं, मैंने थोड़ा सैलेड भी काट लिया था, और यहाँ पे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि काफ़ी देर हो गई, कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ। तो मैंने उनको बोला कि वैसे तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, चटनी बना रही थी मैं पीस, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं चटनी पीस देता हूँ। चटनी मेरे फादर इन लॉ को बहुत अच्छी लगती है, गार्लिक वाली चटनी ना, तो वो होते हैं जब खाना खाने के लिए अवेलेबल, तो मैं कोशिश करती हूँ ये चटनी बनाई जाए, उनको काफ़ी पसंद है, और शर्मा जी को भी बहुत अच्छी लगती है, पसंद सभी को है लेकिन इन लोगों को ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो अपना पराठा वगैरह के साथ, थाली में भी इस चटनी को पकौड़े वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। तो मेरी सिंपल सी धनिया वाली चटनी जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वही हम दोनों मिलकर बना रहे हैं। और गर्मियों में ना हरी चटनी भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें जाती हैं लगभग सभी चीज़ों की तासीर ठंडी रहती है, तो उससे ना आपका टमी और डाइजेशन अच्छा बना रहता है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं आता है, हल्का हल्का खाने की ज़रूरत होती है, तो चटनी आप ये बनाकर रखिए और आपकी खिचड़ी दाल चावल के साथ भी इन्जॉय कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया रहती है पेट के लिए। तैयार हो गई चटनी। हाँ, कुछ एक दोस्त बोलते हैं कि उनकी चटनी पीसते पीसते काली हो जाती है, कड़वी हो जाती है, तो इन दैट केस आप इसमें है ना थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल करके पीसिएगा, तो ये काली भी नहीं होगी, कड़वी भी नहीं होगी, ऐसी ब्यूटीफुल ग्रीन आपकी चटनी बनेगी। और बस इसको फ्रिज में ही हमेशा स्टोर करें, और छोटी फैमिली है आपकी या चटनी उतना नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आप एक कंटेनर में रख सकते हो फ्री, जिसे आप कंज्यूम कर सकें, बाकी को फ्रोज़न कर लीजिए, और जब भी आपको चाहिए तो थॉ करके इस्तेमाल करें। बस फटाफट से आटा लगा लूँगी मैं, और ये मेरा जो स्टैंड मिक्सर है ये भी है फ्रॉम द ब्रांड अगारो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रख दिया है, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। बनाने दे भाई,
देवरानी को बनाने दे जेठानी जी। मैंने तो बुलाया था खाने के लिए, वो आगे से लगी हुई है। सोचा भी नहीं होगा ये टाइम इतनी जल्दी आ जाएगा ना। नहीं उस दिन भी मम्मी पापा आए हुए थे और तब मैं अकेली रोटी बना रही थी ना, तो मुझे ऐसे याद आ रहा था कि पिछली बार जब ऐसा था तब ये मेरे साथ खड़ी हुई थी। वाह खाना देखो भैया, मेरे को तो अभी से भूख लग रही है। खुशबू से है ना, चटनी की अलग आ रही है, सब्जी की अलग आ रही है, मजेदार नहीं है एकदम। मम्मी नहीं खा पाएंगी चटनी। आपकी रोटी ये तो है एकदम इवन रोटी, और मैं बता दी क्यों नहीं खाओ ना, मैं देख लूं आप देख लो कैसे और पराठे भरवा पराठे अब आप रेस्ट करो अभी, रोटी की छोड़ो पराठे भी देखो पराठे। मैं सर मैं तो कल से नहीं खाते मैं सेक की छोड़ो। और जितना मज़ा मुझे खाना बनाने में आता है उतना ही मज़ा शर्मा जी को खाना खिलाने में आता है। तो बहुत प्यार से सबको खाना सर्व करके, बहुत प्यार से सबको बुला बुला के कि आओ खाना खाओ खाना खाओ, सबको बिठा करके खाना खिलाते हैं। और प्रियंका मेरी हेल्प करा रही है, मैंने उसे बोला भी कि तुम बैठो गरम खाना खाओ, गरम गरम फुलके खाने का मज़ा ही अलग होता है, उसको भी नहीं मिलते। हाउसवाइफ को गरम फुलके ज़रा कम ही मिलते हैं, तो जब भी मौका मिलता है तो हम एक दूसरे को गरम रोटियां खिला देते हैं। पर शी वाज़ लाइक कि भाभी बहुत देर से लगी हुई हो, दोनों मिलकर फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। और ये देखिए हमारे तीनों चिपमंक्स क्या कर रहे हैं, ये देखिए तीनों चिपमंक्स क्या कर रहे हैं, ये देखो छोटू कहाँ से निकल के आया, ये छुटकू और ये वापस भाग गया है। सानी से तो मजा आ रहा है, बेटा देख लेना है गिर ना जाए साइड से। हाँ छुटकू ठाकुर कैसे लगा खाना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा। मम्मी सुपर। बच्चों को मैं भी खा रहा हूँ यार, मैं खा लेता हूँ पहले प्लीज, मेरा आपको कंट्रोल नहीं हो रहा अभी। शानु खुशी खाना खाओ, चलो आ जाओ जल्दी जल्दी बेटा, खूब सारी रोटी बनी हुई है, इसको मैं लेके आता हूँ छुटकू को। चलो छुटकू, ओए शिवांशु आओ बाहर, चलो ले बेटा इधर से ना, मेरे पास ले जा, ले चल आ चल चल खुल गया नावा रखा ना, देखते ही चुप हो गई है शानू इधर ही गाड़ी में बैठ के क्या करेगी भगवान ही मान। और फिर सब लोगों को खिलाने के बाद हम लोग खाना खा रहे हैं एंड सच में बहुत अच्छा बना था। और स्पेशली तो देखिए जो पनीर की सब्ज़ी होती है ना वो यूजुअली अच्छी बनती है, हम उसे बहुत ही ज़्यादा तसल्ली से बहुत ही ज़्यादा प्यार से अच्छे इंग्रेडिएंट डालकर बनाते हैं प्रोसेस को फॉलो करते हुए। बट ये जो सिंपल एवरीडे सब्ज़ियाँ होती हैं ना, अगर कोई तरीका ऐसा हो कि इनमें ज़्यादा स्वाद आ जाए तो वो तरीका ज़रूर अपनाना चाहिए, इज़न्ट इट। तो ये आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी एकदम सिंपल बनती है, बट आज जैसे मैंने बनाया ना ये इतनी अमेजिंग लगी सबको ही।
ही बहुत अच्छी लगी, आप ट्राई कर लेना एक बार, आपको भी पसंद आएगी। ये जो टेंट हाउस है ये सानवी खुशी का है, जब वो छोटे थे तो उनके लिए लेकर आए थे, फिर वो बड़े हो गए तो ये बस बंद करके ही रखा हुआ था। आज शिवांशी आई तो उसके लिए खोल दिया था शर्मा जी ने, एंड उसको इतना पसंद आया कि वो उसमें से निकलना ही नहीं चाह रही थी। रात में खाना वाना खाने के बाद फ्री होकर हम लोग थोड़ी देर बालकनी में बैठे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बातें की, और मुझे लगता है जब फैमिली इकट्ठी होती है ना ये टाइम बेस्ट होता है।